श्री दरबार साहब विखे लंगर हाल दे लई मलेरकोटला तो मुस्लिम भाईचारे वालों 33 क्विंटल कणक भेंट की गई। मुस्लिम भाईचारे दे लोक मलेरकोटला तो खास तौर पर श्री दरबार साहब विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने लंगर हाल विच कणक भेंट की। इस दौरान उन्होंने पंगत विच बैठ के लंगर भी छकिया अते श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक भी होए। इस दौरान मसीर अख्तर ने कहा कि पिछले कई सालों तो सिख मुसलमान भाईचारक सांझ दे लई काम कर रहे ने, पर कुछ शरारती लोग उन्हां दे विच गलत फहमी पैदा करन दी कोशिश भी कर रहे ने, पर उह अजिहा नहीं होण देणगे, इसलिए उह श्री दरबार साहब पहुंचे ने। उन्हां दे नाल 14 होर मुस्लिम भाईचारे दे लोग आए हुए सन। असीं मलेरकोटले तो आए हाँ, 14 बंदे हाँ। असीं तकरीबन 33 टन कणक लैके 2 ट्रकों 'च असीं इत्थे श्री दरबार साहब हाज़र होए हाँ। सानूं असीं बड़ा माण और खुशी महसूस कर रहे हाँ, क्योंकि साडियां सांझां कोई नवीआं नहीं है, बहुत पुरानी सांझां ने। जिस तरह 12 भाई गुरदास बार पहली 'च पन्ने नंबर 35 ते भाई गुरदास लिखदे ने, बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना, इक बाबा आकार रूप दूजा रबाबी मरदाना। असीं तां शुरू तों कट्ठे चले आ रहे हाँ। जे असीं इतिहास ते झात मारदे हाँ, 15 अप्रैल 1469 नूं जदों राय भोज की तलवंडी विखे श्री गुरु नानक साहब का आगमन हुंदा है, तां एक मुसलमान दाई जिसका नाम दौलता सी उसनूं सद्या जांदा है, ठीक है नी। उहदे बारे सिख विद्वान ते कवि प्रोफेसर मोहन सिंह जी नानक प्रकाश पत्रिका मार्च 1978 विच लिखदे ने, उस ही पल जन्मिया कालू दे कर बाल, माता तिरपता हो गई तक्कर अनुसार निहाल, लाया दाई दौलतां चुक कलेजे नाल, कोसे पानी नाल फिर दिता तुरत निहाल, पट दे बिच लपेटिया कीती तुरत संभाल। पट कहिंदे ने रेशमी कपड़े नूं, फिर बिस्मिल्ला आख के दिता शहद चटाल, फिर बिस्मिल्ला आख के दिता शहद चटाल। श्री गुरु नानक साहब नूं तां गुड़ती ही एक मुसलमान दाई दौलतां दी सी, इस तों वड्डी साडे बारे सांझ की हो सकदी है ना। किन्नी कणक दित्ती गई? असीं तकरीबन 33 टन कणक है, इह 330 क्विंटल जिहड़े 2 ट्रकां 'च असीं लै के आए हाँ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 33 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ IGBC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस दौरान उन्होंने अजिहे लोगों नूं संदेश भी दिता है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे अते एकता च फुट पाउण दी कोशिश करते ने। बहुत वड्डी खुशी दी गल है, सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे साडे जो मुस्लिम समाज तो मलेरकोटले तो जो धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे लंगर दे विच कणक लै के आए ने। सो मैं ये समझदा कि गुरु रामदास जी दे घर दे विच कणक नहीं लैके आए, एक बहुत वड्डा संसार दे विच एक आपसी भाईचारे का एक पैगाम लैके आए आ, और ये एक बहुत वड्डा उपराला वा। और ये जिहड़े साडे मुस्लिम भाईचारे जिहड़े आण के जिन्हां ने दस्या, ये बहुत वड्डा काम कर रहे आ दोवां कौमां नूं और आपसी मानवता दा दे विच जिहड़ा आपसी प्यार वंडणा अजकल दे जमाने दे विच समें दे विच सब तों वड्डी लोड़ है। मलेरकोटला दे मुस्लिम भाईचारे वल्लों चुक्या गया एक कदम शलाघायोग है। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।